दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीते दिन रविवार सुबह नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बारिश जारी रही। बात आज सोमवार की करें तो मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिन के समय दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, वहीं दिल्ली में बारिश का दौर देर रात तक भी जारी रह सकता है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। 12 अगस्त सोमवार गरज के साथ बारिश, 13 अगस्त मंगलवार आंधी के साथ छिटपुट या मध्यम बारिश, 14 अगस्त बुधवार गरज के साथ बारिश, 15 अगस्त गुरुवार गरज के साथ बारिश, 16 अगस्त शुक्रवार आंधी के साथ छिटपुट या मध्यम बारिश, 17 अगस्त शनिवार आंधी के साथ छिटपुट या मध्यम बारिश, 18 अगस्त रविवार आंधी के साथ छिटपुट या मध्यम बारिश। बता दें 14 अगस्त के बाद से बारिश फिर से बढ़ेगी, साथ ही 14 से 16 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूरे हफ्ते अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बात अगर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून मेहरबान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इन इलाकों में लैंडस्लाइड के चलते मौसम आफत बन गया है। कुछ समय पहले मंडी में बादल फटने से लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें जानमाल का भी नुकसान सामने आया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लोगों को सलाह दी है कि बहुत जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जाते समय बारिश को देखते हुए छाता या रेनकोट जरूर लेकर चलें। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में रविवार को भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम देखने को मिला, इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जलभराव की 40 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई थी, साथ ही इस बीच पेड़ों के गिरने की भी जानकारी मिली थी। बता दें सोमवार शाम 4 बजे तक नई दिल्ली का AQI 61 दर्ज किया गया है। इस बीच सबसे खराब AQI आनंद विहार का रहा, जो 115 था। सबसे ज्यादा खराब AQI की लिस्ट में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, पंजाबी बाग, गाजीपुर जैसे इलाके भी शामिल रहे। लोकल 18 के लिए दिल्ली से योगिता महेश्वरी की रिपोर्ट।